हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और फिलहाल तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी हो गई है सुबह, और मेरे लिए तो सुबह थोड़ी जल्दी हो गई थी, 5:30 बजे के करीब हो गई थी, क्योंकि मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था, अब अपलोडिंग पे डालने जा रहा हूँ। और ये मेरी चाय आ गई है, तो मस्त सुबह है, प्रॉपरली अब सुबह हो गई है चाय के साथ। और वीडियो लेट नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी है, इस वजह से लेट हो गया है थोड़ा, बट अभी मैं जो है आपके सामने यहाँ अपलोडिंग पे डाल देता हूँ। ये हमारी वीडियो, मैं वॉशरूम यूज़ करके बाहर आया, और भाई जो हालत हो गई थी ना, कहाँ कहाँ सुन्न सा महसूस हो रहा था, क्या ही बताऊँ मैं। और हाथ धोने के बाद जो बुरी कंडीशन हो गई, संयोग से जो है यहाँ पे आग जला दिया था। जैसे बाहर आया, हाथ धो के जैसे ही निकला, अभी उन्होंने कहा इधर आओ दौड़ के, फिर मैं आया, हाथ सेका मैंने थोड़ा, तब जाके थोड़ा सा आराम हुआ है। बहुत ठंड है इधर, और अभी तो मैं 20-25 किलोमीटर नीचे हूँ दार्जिलिंग से, लेकिन व्यू कितना प्यारा है। मेरे इस कैमरे में पता ही नहीं चलता है कि ये पहाड़ पहाड़ जैसा बहुत ज़्यादा व्यू है, क्योंकि बहुत वाइड है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, बट वाकई में बहुत ऊँचा पहाड़ है इधर, और पीछे झरना बह रहा है वहाँ पे। मैं अभी चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्राइम लोकेशन है। आप इधर आएंगे ना, यहाँ स्टे करेंगे, तो जो व्यू मिलने वाला है ना, वो मतलब अलग ही है। आप खरसोंग से 5 किलोमीटर दूर आएंगे तो टुंग जगह है। टुंग जगह में जैसे एंट्री करते हैं, सबसे पहले भैया का कैफ़े है, इधर कैफ़े भी है, आप स्टे भी कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग स्टे करना बेटर है, क्योंकि आप इधर स्टे करिए, फिर आप जाइए और फिर दार्जिलिंग घूम लीजिए। यहाँ से बहुत देर नहीं लगेगी, आधे घंटे मैक्सिमम जाने में, दार्जिलिंग घूम के वापस आइए, क्योंकि उधर स्टे भी बहुत महंगा होता है, इधर नॉर्मल है, बढ़िया है। तो ओवरऑल आप घूमिए दिन भर, फिर शाम को वापस आ जाइए। बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह है, मस्त एकदम, और इधर पीछे झरना भी है, तो उधर जाके आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जो सनसेट व्यू होता है ना, वो ऑसम। भैया अभी पीछे जो है टेरेस बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे वो कैफ़े को एक्सपेंड करेंगे, तो उधर से आप शाम को बैठिए और सनसेट के नज़ारे लीजिए, कॉफ़ी पीजिए, मस्त, बहुत तगड़ा जो है व्यू आएगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया लोकेशन है, आप इधर आइए तो यहाँ प्लीज़ मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर रुकिए, क्योंकि एक तो आप इधर रुकेंगे, भैया भाभी लोग बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो आप लोगों को पहली चीज़ तो बहुत मज़ा आएगा इधर रुकने में। दूसरी चीज़ है यहाँ का व्यू जो है ना, उधर मैं आपको दिखाता हूँ, उधर पहाड़ है पीछे, वो पीछे पहाड़ी एरिया है, वहाँ सनसेट होता है, तो आप देखो एक बार कि उस एरिया में सनसेट होगा, आप पीछे बैठ के वो एरिया देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, तो कितना मज़ा आएगा उस टाइम पर। और मैंने भैया से बोल रखा है, भैया ने मुझे खुद ही कहा कि मुझे ये सनसेट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, तो मैं आज की वीडियो में या कल की वीडियो में। अभी वो भैया का कैफ़े है उधर, और कैफ़े से मैं आया हूँ निकल के, ठंड बहुत है लेकिन इधर, और सामने जो है उधर फाउंटेन है, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
ये है नजारा, दिख रहा है? दिख रहा है, ये नजारा है फाउंटेन का। पता है यार, मुझे एक अच्छी चीज लगी, ये पानी जो है ना यार, यही यूज होता है यहाँ पे। ये पानी कलेक्ट करते हैं लोग ऐसे, और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पानी ऐसे ऐसे कलेक्ट होता है एक जगह पे, यहाँ से फिर नीचे से जो है पाइप लगा के, ये कहीं पे किसी के घर पे जा रहा होगा, तो ऐसे पानी का सप्लाई इधर चलता रहता है। और कितना सुंदर लग रहा है ये, वाह! उधर से उधर से उधर से पूरा। अभी मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, क्रिएटिविटी क्या, वो नॉर्मल क्रिएटिविटी है, बट मैंने सोचा थोड़ा सा बढ़िया बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ की सुंदरता मैं ठीक से प्रॉपरली आपको दिखाऊँ, इतने इक्विपमेंट अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि जो मेरा मेन इक्विपमेंट था वो ख़राब हो गया है, बट फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाता रहता हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। वो झरना है, वो मिलन भैया का कैफ़े है, मतलब बस यही डिस्टेंस है, यहाँ से वहाँ इतनी दूर है, सोचो। मतलब सनसेट व्यू, झरने का व्यू, दोनों यहाँ से मिल जाएगा आपको। अपना नाश्ता तैयार है, और एक मिनट, गरम गरम रोटी, गरम गरम छोले, और ये व्यू है, ये व्यू के साथ ये खाना, मज़ा आ जाएगा। रीजन है ना, इधर से धूप आ रहा है।
थैंक यू, सेफ जर्नी, ठीक है, अच्छी तरह से जाना नीरज भाई, आना, फिर नंबर तो दिया है ना, हाँ हाँ, अभी तो रहेंगे कांटेक्ट में। बाय भाभी जी, बाय भैया जी, बाय। बिल्कुल
बुजुर्गों ने कहावत कही है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले हो जाएगा। आगे वाला तो मैं भूल गया। तो बस वही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। मुझे बिल्कुल साफ साफ सा मौसम दिख रहा था, बढ़िया, तो मुझे लग रहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बारिश होगी नहीं, सब सारी चीज़ें ठीक हैं। बट क्या है ना कि मैं जैसे दार्जिलिंग से अभी 10 किलोमीटर दूर हूँ, 9 किलोमीटर, और यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, तो मुझे जो है एक जगह ढूंढनी पड़ी। जगह भी जो है सेफ़ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि इधर जो है फटा हुआ है ऊपर से, और कंडीशन ठीक लग नहीं रही थी। अभी फ़िलहाल बंद हो गया है, तो मैं आगे निकलता हूँ। अगले मार्केट में पहुँचते ही सबसे पहला काम होगा एक पॉलीथीन खरीदना, ताकि सामान बचा रहे और हम बचे रहें। तो अभी बहुत देर नहीं करता हूँ, निकलता हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप लोग जो है आगे से ध्यान रखिए कि काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब। ये रोपवे जो है, ये लंदन में जो है इसको डिज़ाइन किया गया था कि कैसा ये बनेगा, और इसको बनाया गया था ब्रिटिश टाइम में, बिल्ड बाय ब्रिटिश रोपवे इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड लंदन। लंदन की एक कंपनी थी, उसने इसको बनाया था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब बहुत बहुत, मतलब जो है ना, एक सोचिए उस टाइम का बनाया हुआ रोपवे है ये। अभी तो जो है ये सिर्फ एक सपोर्ट का काम कर रहा है लोकल लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर ले जाने के लिए। अदरवाइज़ उस टाइम पे सोचिए यहाँ पे रोपवे था, और मुझे पता नहीं है ये इस जगह को कहाँ से कनेक्ट करता था, बट जहाँ से भी करता हो, लेकिन ये बड़ी बात है कि उस टाइम पे यहाँ रोपवे हुआ करता था। और यार ब्रिटिश के लोग, अब चाहे जिसके लिए किया उन्होंने, लेकिन काम तो किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया नहीं है, पता करके जरूर आगे बताऊंगा वीडियो में कि ये रोपवे यहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर। ये जो है ये रेलवेज जो है ना, उस टाइम की है जब ब्रिटिश ने यहाँ पे हिमालयन रेलवे स्टार्ट किया था, उस टाइम की ट्रेन हैं ये, यहाँ पे खड़ी हैं, म्यूज़ियम है। और ये ट्रैक है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पे सीट है, लोग बैठे हैं, दुकानें हैं। फ़िलहाल तो हिमालयन रेलवे बंद है कुछ टाइम के लिए, रीज़न है मैंने बताया था, लैंडस्लाइड हुआ है। ये जगह हम आपको प्रॉपरली दिखाएंगे रुक के, बट जब हम रिटर्न होंगे तब दिखाएंगे। रीज़न ये है कि ये अभी तो हम थके हैं, ऊपर से मौसम ठीक नहीं है, तो अभी हमें आगे बढ़ना है। और एक्चुअली ये माइलस्टोन था मेरे लिए, क्योंकि घूम जो है ना हाईएस्ट पॉइंट है इधर का, पीक पॉइंट बोल सकते हैं आप अगर दार्जिलिंग आते हैं तो यहां से रिटर्निंग, अब यहां से जो है दार्जिलिंग के लिए मुझे जाना है, तो उधर डाउन हिल स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो उधर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल यहाँ आना सबसे टफ टास्क था हमारे लिए, सबसे टफ टास्क था यहाँ तक पहुँचना। अब इधर से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो वो डाउन हिल है, बहुत ज़्यादा दम मेहनत नहीं लगने वाली है। और बस अब निकलते हैं, बहुत टाइम ना बर्बाद करते हुए, और बहुत टाइमली हम इधर पहुँच चुके हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से दार्जिलिंग 7 या 8 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर, वो भी डाउन हिल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चढ़ाई है नहीं। तो अभी देखते हैं वो कितनी देर में पूरा होता है।
यार एक्चुअली दिक्कत ये हुई ना कि अपनी धन्नो गिर गई नीचे रिकॉर्ड करने के चक्कर में, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि दिखाना चाहिए। और रेलवेज मतलब दार्जिलिंग रेलवेज जो है वापस स्टार्ट हो चुका है, वो दिखाने के चक्कर में धन्नो डिसबैलेंस हो गई। मैंने बताया ही था एक बार डिसबैलेंस होती है तो फिर संभालना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है, बट कोई नहीं क्या कर सकते हैं, ठंड बहुत है इधर। एक और ट्रेन गुजरी तो मैंने ये प्रॉपरली दिखा दिया बिना गिरे हुए। अभी जो है हम दार्जिलिंग से कितनी दूर हैं? दार्जिलिंग में ही है। दार्जिलिंग में आ गए? अरे वाह, अभी हम दार्जिलिंग में आ गए हैं और यहाँ भैया ने हमारी हेल्प की है। वो हमारा ना ऐसा धन्नो के आगे ये लगाना है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, रास्ते में कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसके सेंटर में भैया होल करके इधर सेट कर देंगे। तो अभी अपनी धन्नो जो है ना प्रॉपर एकदम लगेगी कि हाँ नीचे की साइड करना है ना, नीचे करना। हाँ अभी जो है हम, यार बड़ी दिक्कत है, धन्नो को हमने कवर किया है बार बार उड़ रहा है उसके ऊपर से, बड़ी समस्या हो रही है। मैं रस्सी लेके बांध देता हूँ। भैया रस्सी है ना सुतली? हाँ रस्सी होगा, रस्सी होगा। इधर अपनी धन्नो खड़ी है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो फिलहाल जो है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि मैं एक भैया के साथ हूँ, वहाँ पे मैं अपनी धन्नों में वो प्लेट लगवा रहा था ना आगे, तो भैया का नाम राजू था और उनके साथ भैया हैं, भैया का नाम विकास था, विकास भैया, राजू भैया। राजू भैया रोटी बना रहे मेरे सामने, रोटी सब्जी सब है। और अभी मैं भैया के साथ हूँ, आज इधर रुकूँगा, कल रुकूँगा, परसों में भी निकल जाऊँगा मैं इधर से। और मतलब और हाँ वैसे अभी फ़िलहाल देखिए वीडियो है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कैमरे से, इसमें इम्पोर्ट किया है, इसके बाद जो है इसमें से फाइल मैनेजर में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत झमेला होता है। इतना सारा काम करके जो है फिर सुबह उठता हूँ, फिर वीडियो एडिट करता हूँ, बहुत मतलब बहुत लफड़ा होता है, सोचिए इतना काम करना पड़ता है। और फिलहाल जो है भैया के साथ हूँ मैं, खाना खा रहा हूँ, मस्त खाना, मतलब खाना देख के ही मज़ा आ रहा है और बहुत इंतज़ार हो नहीं रहा है। अरे फिर भी मैं मिला दूँ एक बार। तो राजू भैया हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सब्जी विकास भैया ने बनाई है और रोटी राजू भैया बना रहे हैं। तो फिलहाल हम जो है भोजन करते हैं, ऐसे इधर ठंड बहुत है। चलिए खाना स्टार्ट किया।